हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की शुरू में आपको बताऊंगा कि आप यहां पर अपने मोबाइल से जो भी आपकी जो खोई हुई सिम है, मतलब आपकी सिम कोई गुम हो गई है और यहां पर आप इसको यहां पर ब्लॉक करना चाहते हैं और परमानेंटली ऑफ करना चाहते हैं, तो सिंपली आज की शुरू में आपको ऐसी ट्रिक के वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पे कितनी सिम रजिस्टर है और जो भी सिम आपकी गुम हुई है इसको आप सिंपली अपने ही मोबाइल से या कंप्यूटर से आप सिंपली ब्लॉक या रिपोर्ट करके बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने मोबाइल से आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देना है। अभी जो मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा इसकी मदद से आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि अपने नेम पर यहाँ पर कितने सिम लिए चुके हैं और यहाँ पर कौन सी सिम एक्टिव है और कौन सी यहाँ पर गुम हो गए, इसको सिंगली एक ही क्लिक में आप यहाँ पर ऑफ या परमानेंटली ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देना है। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ पर एक वेबसाइट टाइप कर देना है जिसका नाम है आपको यहाँ पर TAFCOP, इस तरह का यहाँ पर टाइप करके सिंपली आपको क्या कर देना है, सर्च मार देना है। तो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नंबर में आपको एक वेबसाइट मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। अभी आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल है आपको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पर ले जाना है। तो साइड में आपको एक ऑप्शन आपको दिखा जाए, सिंपली उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइड पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर बोलेगा, जो भी आप यहाँ पर सिम लिए हो उस सिम लेते हो तो आपको एक अल्टरनेट मतलब प्राइमरी नंबर मांगेगा, जो भी आपने यहाँ पर नंबर दिए वो सिंपली यहाँ पर नंबर ऐड कर देना है। अभी मैं मेरा एक नंबर ऐड करता हूँ यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर जैसे हमने नंबर टाइप किया, अभी यहाँ पर सिंपली रिक्वेस्ट OTP पर हमको क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद आपके सिम में यहाँ पर OTP आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर OTP का थोड़ा देर वेट कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर OTP आ चुका है। तो सिंपली आपको यहाँ पर OTP एंटर कर देना है। तो जो भी आपने यहाँ पर नंबर डाला इसमें आपको एक OTP मिल जाएगा। तो इसी तरह सिंपली इसके बाद वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर डिटेल खुल के आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर बताएगा कि आपके नंबर से यहाँ पर जुड़े हुए लिंक के कितने नंबर यहाँ पर एक्टिव है और यहाँ पर आप कौन से भी नंबर पर सिंपली रिपोर्ट मार के यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ पर बंद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे नाम के जो नंबर दिए थे उस रिलेटेड यहाँ पर इतने सारे सिम यहाँ पर रजिस्टर है। तो बेसिकली मैं जो भी सिम यहाँ पर मेरा गुम हो चुका है सिंपली इसकी मदद से सिंपली यहाँ पर मैं डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, मान लीजिए मेरा यहाँ पर एक सिम यू गुम हो गया, इस पर सिंपली क्लिक करके रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर रिपोर्ट के लिए नंबर जा चुका है। अभी थोड़ी देर वेरीफाई होने के बाद सिंपली यहाँ पर स्टेटस चेक करके आप यहाँ पर पता लगा सकते कि आपका नंबर यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है या नहीं। तो इसी तरह आप यहाँ पर आसानी से पता लगा सकते कि आपने नेम पर यहाँ पर कितने सिम रजिस्टर हुई है और जो भी गुम नंबर ही हुए आपको यहाँ पर उस पर क्लिक कर देना है और रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। तो इसी तरह आप जो भी अपनी खोई हुई सिम को यहाँ पर पता लगा सकते हैं और यहाँ पर इजीली ब्लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के समय इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।